हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि MBBS में अब से आपको नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने MBBS की परीक्षा पास कर लिया यानी नीट का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है और 2019 और 20 वाले सेशन में आप जा रहे हैं तो आपको नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इसमें एजुकेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो वैसे तो मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ, क्योंकि मैं इधर बीच कुछ गर्मी से परेशान था और कुछ मैं बिजी भी था। तो फ्रेंड्स, आज अपना वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र ने यानी चिकित्सा क्षेत्र में जो है एक बदलाव आया है कि शैक्षणिक स्तर पर 2019-20 से MBBS पाठ्यक्रम में आपको थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा। मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थान को ये मतलब निर्देश दे दिए गए हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको कि MCI करते हैं, के निर्देश के बाद पूरे देश में यानी पूरे इंडिया भर में इसे लागू कर दिया जाएगा। MBBS में जो है वो है योग्यता आधारित स्नातक पाठ्यक्रम, जिसको कि कंपेटेंसी बेस्ड अंडर ग्रेजुएट करिकुलम कहते हैं, को इसी सत्र से सभी मेडिकल कॉलेज में लागू करना पड़ेगा। तो ये है, तो इसे चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक ने इसे निर्देश के रूप में जारी किया है। तो कहने का मतलब MCI ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई अब 2019 और 20 के लिए आपके सिलेबस में बदलाव आ जाएगा। और इनके जो महानिदेशक हैं, जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के जो हैं प्रोफेसर KK गुप्ता जी हैं, उन्होंने MCI का प्रयास किया है कि MBBS पाठ्यक्रम में बदलाव का उद्देश्य जो है बस एक ही है कि वो ऐसा क्लिनिशियन तैयार करना चाहते हैं जो अपने मरीज की बीमारी की रोकथाम, उसके बचाव के लिए जागरूकता, उपचार, शांति और समग्र रूप से मदद कर सके। मतलब कई तरह से वे अपना वेलफेयर प्रोग्राम मतलब प्रोड्यूस कर सकें, साथ ही मरीजों व डॉक्टरों के बीच बढ़ती हुई दूरी को कम करने और बेहतर संबंध स्थापित करने के भी जो स्किल्स हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। और इनकमिंग डॉक्टरों को मरीज से बातचीत करने का जो प्रॉपर तरीका है वो बताया जाएगा, उनके प्रति जो सिंपथी है और दया की भावना है वो सब प्रोड्यूस कराई जाएगी, मतलब उनमें क्या कहते हैं उसको पैदा किया जाएगा, मतलब उस तरह की सेंस को जागृत कराया जाएगा, ताकि मतलब जो पेशेंट और ये डॉक्टर्स के बीच एक कोरिलेशन है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। तो ये है मतलब कि इसमें थोड़ा सा चेंज लाया जाएगा। अब चेंज का डिग्री कितना रहेगा, वो मतलब किस क्वालिटी से मतलब या किस डिग्री से या किस स्ट्रेंथ से वो चेंज होगा, या सिलेबस देखने पर ही पता चलेगा। तो 12वीं के बाद अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो उसमें ये इस तरह से चीज़ें आएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए संजय सिंह इंडिया एजुकेशन TV। Thank you very much.